चाहे वो नमाज फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफिल हो, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते नहीं पढ़ते। अगर इमाम के साथ नमाज पढ़े और सूरह फातिहा पढ़े, मैं अपना मसलक बता रहा हूँ, किसी के मसलक की मैं तंकीद नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर इमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं तो इमाम साहब अगर जहरन सूरह फातिहा पढ़ते हैं, पीछे करने वालों में से सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इख्तितामे सूरह फातिहा पर आमीन कहते हैं। बोलते नहीं बोलते, बोलना नहीं बोलना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरह फातिहा के इख्तिताम पर जरूर आमीन कहो, इसलिए कि उस वक्त अतराफ व अकनाफ के तमाम मलाइका भी आमीन कहते हैं। आका ने फरमाया जिसका आमीन मलाइका के आमीन के साथ मिल जाए, अल्लाह ताला उसी वक्त उसके मगफिरत के फैसले फरमा देते हैं। कितने लोगों को सूरह फातिहा समझ में आता, पचास साल से नमाज पढ़ रहे अब तक सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं मालूम, पूरी जिंदगी नमाज पढ़कर जाने वाले चले गए, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए, लेकिन सूरह फातिहा का तर्जुमा उनको भी नहीं मालूम था, फिर भी आमीन बोलते नहीं बोलते। अब अल्लाह ताला ये शर्त लगाए क्या, क्या मैं कह रहा हूं ये समझकर आमीन कहोगे तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, ऐसे बोले अल्लाह ताला। आलिम भी अगर आमीन कहे उसे जो मिलता है, जाहिल जो आमीन कहता है उसे भी वही मिलता है, चाहे वो अल्लाह का कलाम हो या नबी का फरमान हो, अल्लाह की तारीफ हो नबी की तौसीफ हो, दोनों सूरतों में सुभानअल्लाह बोलेंगे समझ कर या न समझे इंशाअल्लाह अजर जरूर मिलता। सदमाए अकीदत के पैमाने हजारों हैं, इरफान रिसालत के मैखाने हजारों हैं, दामन में लिए अपने नजराने हजारों हैं। ये शेर हजरत बालहिंद साहब के हवाले से, दामन में लिए अपने नजराने हजारों हैं, कांधे पे कफन डाले मस्ताने हजारों हैं, दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं, दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं। सबसे पहले आज के जलसे के मुंतजमीन को, मस्जिद के जिम्मेदारों को और आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं मैं। सारी दुनिया में एक खौफ है, उस खौफ की वजह से लोग मुतफर्रिक हो गए, ऐसे वक्त में मस्जिद में हम लोग तो जमा होकर बैठे हैं एक अहम मकसद पर, ये हमारी हिम्मत है और हमारी हिम्मतों को इस वक्त फरिश्ते सलाम कर रहे हैं। ऐसा डर, कहां से तो खौफ, अभी अभी मस्जिदें खुल रही हैं, 15-20 दिन पहले हमारे पास एक नौजवान आए बेंगलोर के अंदर आकर कहने लगे हजरत मेरे साथ एक हादसा होगा, मैं उसके हाथा पावर देखा, ये तो हादसे का तो हमारे नजदीक क्या बोले, तो कहते भी एक्सीडेंट हो जाना, हथियार टूट जाना,
अजीब बात का हादिसा बोलते। उसने कहा कि हजरत मेरे साथ एक हादिसा होगा। मैं पूछा क्या हुआ? फला मस्जिद में नमाज पढ़े हजरत ने, अभी है ना समाधि फासला है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, एक हाथ इधर एक हाथ उधर करना। वही सब मैं भी जाकर नमाज के लिए खड़ा, अचानक मुझे छींक आई, जितना हो सके उतना दबाया हजरत ने, लेकिन क्या करना, छींक को भी वही अंदर की जिद थी, आना बोलकर तय कर ली, दबाए उतना दबाया लेकिन छींक बंद नहीं हुई। मजबूर होकर मैं छींक दिया हजरत, मैं छींकते ही मेरे बाजू जो खड़ा था कायम नमाज की हालत में नमाजी तौर पर चले गए। दिलों से डर निकालो, ये बीमारियां क्या है, अल्लाह की पैदा करना चीज है। दुनिया के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं जिसे अल्लाह ने पैदा किया हो, हर चीज का खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। जब अल्लाह ताला दर्द दिया है तो दवा भी दिया है। इतना डरे इतना डरे इतना डरे, हजरत मौलाना अब्दुल सबूर साहब के हवाले से ये शेर, उस गली में कुछ हुआ है इस खबर से मर गए। इसे सुबह मिला अब पैदा हो गया तो इनका लीला भर गया। उस गली में कुछ हुआ है इस खबर से मर गए, और कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। दिलों से डर निकालो, जिसका डर दिलों में रखना उसका डर निकालो, निकाल रखो, उसके बाद देखो दुनिया का हर डर हमारे दिलों से निकल जाए। ये बीमारियों का डर, ये जानवरों का डर, ये पतंगों का डर, और ये दुश्मनों का डर, ये हासिदों का डर, ये चलने वालों का डर, ये खड़ कर पेशाब करने वालों का डर, ये ऐरे पैरों का डर हमारे दिलों में इसलिए है, जिसका डर होना था उसका डर हमारे दिलों में नहीं। सारी दुनिया की साइंस इस बात पर मुत्तफिक है, और जो साइंस आज इस बात पर मुत्तफिक है उसी बात को आज से हजारों साल पहले हमारे अकाबिर ने बयान कर दिया कि आदमी के अंदर डर से ज्यादा जहर कोई नहीं। खौफ से ज्यादा जहर कोई नहीं। अभी उन्वान पे आया नहीं, मुकदमा पेश कर रहा हूं, और ये भी कह दूं कि मैं अपने उनवान को आपके सामने पूरा रख नहीं सकूंगा। वैसे तो मैं खुद तालिब इल्म हूं, उनवान बड़ा गहरा है, सिर्फ जितना हो सके मेरे वक्त के अंदर में जाकर आपको ले जाकर आपको वहीं छोड़कर मैं बेंगलोर की तरफ चला जाऊंगा। ये मुकदमा जो इस वक्त के हालात को सामने रखकर कह रहा हूं, डर एक जहर है, खौफ एक जहर है। कोरोना ही से, कोरोना के डर ही से मरना जरूरी नहीं, सर का दर्द भी आकर आदमी अगर हद से ज्यादा टेंशन ले ले तो मर जाएगा। पेट का दर्द आकर आदमी हद से ज्यादा टेंशन ले लिया, मर जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा मेरा दर्द रख ले सब दर्द खत्म हो जाएगा। तमाम खौफ निकालने का खुदा का मकसद क्या है? ताकि तुम्हारे अंदर दूसरों के डर का, खौफ का जहर न हो। और अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ जहर नहीं। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अल्लाह से मिलाने का एक रास्ता, एक सबब है। और आज हमारा हाल ये है कि हम अल्लाह को छोड़कर हर चीज से डरते हैं। डर ही सबसे बड़ा जहर है। कोरोना है या नहीं,
लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो कई अनामीन आ गए, कई मजामीन आ गए, कई नसीहतें आ गई, कई इबरतें आ गई, कई मजमून लिखते गए, कई अशआर बने, कई लतीफे बने। ये भी शर्म खैर का पहलू, कितनी बातें छुपी हुई थी अल्लाह ने उसे निकाल दिया। इसके मुस्बत पहलू भी हमारे सामने आए, इसके मनफी पहलू भी हमारे सामने आए। आप हजरत उलमाए किराम से इसकी पूरी तहकीक सुन लेना। लतीफे बने, जो बज़ाहिर लतीफे नजर आ रहे थे लेकिन 100% हकीकत थे। एक गांव में एक सास थी, कहते सास मानो, अरे मानो कि नहीं कि बोलो रे बा, हैदराबाद में है सास रंगा चुना बहू को बहुत सताती थी, कहते बहुत सताती थी बहू। हकीकत भी यही है कि आजकल घरों के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो फलस्तीन से भी ज्यादा हो रहा है। आज हमारे छोटे छोटे घर गुजरात बने हैं, सारी दुनिया को मालूम इस्लाम जब मोहब्बत करता है रिश्तों से तो बेमिसाल मोहब्बत करता है, हक अदा करता है तो पूरा पूरा हक अदा करता है। इस धर्म के अंदर दामाद की मोहब्बत भी मिसाल, इस धर्म के अंदर बहू की मोहब्बत भी मिसाल, इस धर्म के अंदर सास की मोहब्बत भी मिसाल, इस धर्म के अंदर ससुर की मोहब्बत भी मिसाल, इस धर्म के अंदर मोहब्बत है मिसाल ही मिसाल। हम तो दावत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बड़ा गहरा उन्वान रखा मुंतजमीन ने। हमारे नजदीक दावत बोले तो क्या भाई, आज शाम को दावत है, पूरा दस लिए तक हटते नहीं। कहां, कौन सा मोहल्ला, कौन सा क्लास, कौन सी गली, कौन सा शादी में, कितने बजे। बास लोग तो ये भी पूछते क्या क्या आइटम है। उससे नहीं पूछते। और बाज लोग तो ऐसे भी है, शिकायत में हाल पेश कर रहा हूं आप पे इल्जाम नहीं, बाज लोग तो ऐसे भी है बगैर दावत के भी चले जाते हैं, खुद दाई परेशान हो जाता शर्मिंदा, हाँ इसे छोड़ ना जाना, उन्हें तसल्ली देता नहीं तुम्हें याद रखे थे अचानक कामा में भूल गए उनको मैं चाहता। चलता नहीं चलता। दावत का मकसद, दावत का माना और मतलब हमारे नजदीक खाना ही है, खाना भी दावत है, इससे फायदा बहुत कम होता है। असल में हमारे बड़ों ने दावत का दुर्तर्जुमा किया, हमारे बड़ों ने दावत का जो मफहूम पेश किया, हमारे बड़ों ने दावत की तो तफसीरें की और तो तस्लीहात की है वो बड़ी गहरी है गहरी। इसीलिए आजकल के हालात को सामने रखकर इजलास के मुंतजमीन ने एक उन्वान रखा है, दावत दीन और इस्लाहे मुआशरा। तीन बातें आ गई यहां पर, दावत, दीन, इस्लाहे मुआशरा। इजाफत होने की वजह से दीन का लफ्ज बाद में आया, दावत को पेश करने से पहले दीन को समझना पड़ेगा। चीज अच्छी हो पैगाम दिया जाएगा, चीज अच्छी हो तरफ बुलाया जाएगा, चीज बेहतर हो रास्ता दिखाया जाएगा, चीज खुद अगर अल्लाह बुरी हो दावत नहीं देंगे,
मस्जिद की तरफ आओ, ये दावत है। थिएटर और शराब खाने और कहवा खाने की तरफ आओ, ये दावत नहीं। फिर यह दावत क्यों नहीं? चीज अच्छी नहीं, यहां दावत क्यों? चीज अच्छी और जगह अच्छी। अब भगवान का एक लफ्ज क्या है? दीन की दावत, दावत दीन, दीन की दावत। दीन से कौन सा दीन मुराद? मुतलक दीन कह दिया गया। सारी दुनिया के अंदर 500 से ज्यादा अदियान है, 500 से ज्यादा मजाहिब है, 500 से ज्यादा किसी धर्म को मानने वाले हैं। अरे बात पक्की है मेरे दोस्तों, कब्रे का बच्चा कब्रे को प्यारा, ईसाइयों को ईसाइयत प्यारी, यहूदियों को यहूदियत प्यारी, हिंदुओं को हिंदुइज्म प्यारा, सिखों को उनका धर्म प्यारा, पारसियों को उनका धर्म और उनका मजहब, उनका दीन प्यारा। बिल्कुल इसी तरीके से, बल्कि इससे आगे मुसलमानों को अपना दीन, अपना धर्म प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, भाई जब तुम्हारा दीन तुम्हें प्यारा, उनका दीन उनको प्यारा, उनका दीन उनको प्यारा, तो फिर सबको अपने दीन में रहने दीजिए, लेकिन किसी एक दीन की तरफ दावत देने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया के अंदर 500 से ज्यादा अदियान, 500 से ज्यादा धर्म, 500 से ज्यादा मजाहिब, लेकिन मुसलमान पूरे शान के साथ कहता है, पूरे तरीके के साथ कहता है, पूरे प्रूफ के साथ कहता है, दुनिया के तमाम दीनों में दीन इस्लाम सच्चा दीन है, दीन इस्लाम पक्का दीन है, दीन इस्लाम कदीम दीन है। कहता है कि नहीं कहता है? सारी दुनिया के मुसलमान यही कहते हैं और दूसरे भी कहते हैं, मुसलमान भी कहता है, लेकिन मुसलमान बड़े वसीले के साथ कहता है पक्का दीन, सच्चा दीन, कदीम दीन, बहुत पुराना दीन। इसीलिए मौलाना खलील रहमान सज्जाद लवानी दामत बरकातहू इस मुल्क के सबसे अव्वल के हजरत उलमा में से हैं। उन्होंने एक तहकीक पेश की है कि इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह से शुरू नहीं हुआ, इस्लाम तो हजरत आदम से शुरू हुआ, मुकम्मल हुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मक्के से दीन शुरू नहीं हुआ, दीन तो हिंदुस्तान से शुरू हुआ। एक तहकीक आपके सामने आई होगी, एक बात आपके सामने आई होगी, ये बिल्कुल अजीबोगरीब नुक्ता आपके सामने आया होगा, दीन मक्के से शुरू नहीं हुआ। ये एजाज हमारे मुल्क हिंदुस्तान को हासिल है कि दीन इस्लाम हिंदुस्तान से शुरू हुआ। कैसे? इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जिस जमीन में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने जिस जमीन में हजरत आदम को भेजा, वो जमीन हिंदुस्तान है। अल्फाज तफासिर के अंदर मौजूद है, नजर आदम बिल हिंद, आदम हिंदुस्तान में उतरे, आदम पहले इंसान है, अल्लाह ताला ने पहले ही उनके अंदर मारिफत दाखिल कर ली। आए वो दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में आए, सबसे पहला इंसान बनकर आए, सबसे पहला नबी बनकर आए, तो ये एजाज हिंदुस्तान को हासिल है कि हिंदुस्तान से दीन शुरू हुआ। लेकिन मुकम्मल कहां हुआ? अरब में मुकम्मल हुआ, मक्के और मदीने में मुकम्मल हुआ। इब्तिदा यहां, इंतहा वहां, इब्तिदा यहां, इख्तिताम वहां। कदीम दीन है, सबसे बहुत पुराना दीन है। कभी कभार मुनाजरे होते थे, आज मुनाजरों का दौर नहीं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, सिख और मुसलमानों के दरमियान, यहूदी और मुसलमानों के दरमियान, दूसरी कौमें और मुसलमानों के दरमियान में मुनाजरे होते थे। मुनाजरों में जब बात आती, हमारा दीन 4000 साल पहले का, हमारा दीन 2000 साल पहले का, हमारा दीन 3000 साल पहले का। लेकिन इस्लाम के मानने वाले फर्जंदान इस्लाम डंके के चोट में जवाब दिया, तुम्हारा दीन 3000 साल का होगा, 4000 साल का होगा, 2000 साल का होगा, 5000 साल का होगा। लेकिन जवाब देने वाले मोहम्मद के गुलामों ने, इस्लाम के बेटों ने, फर्जंदान इस्लाम ने पूरे
साहब ने जवाब दिया कि हमारा दीन उस वक्त से है जब से इंसान की इब्तिदा हुई, हमारा दीन उस वक्त से है जब से इंसान की इब्तिदा हुई है, हमारा दीन सच्चा दीन है सारी दुनिया में। लेकिन सामने वाला सवाल करे, सामने वाला पूछे, क्या दलील है तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सही होने की, क्या सबूत है तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सही होने का। आप सुन ले ये बात, ये सवाल आपको भी हुआ होगा, आप जवाब दिए होंगे, ये आइंदा चलकर होगा, आपको जवाब देना है। दीन पे बात कर रहा हूं, आगे चल के दावत पे बात करूंगा। वो सास बहू के किस्से को जहन में रखो, यही मेरे पूरी तकरीर का जुमला आपके सामने पेश कर दूंगा। आइंदा चलकर आपसे कोई इस मुल्क का गैर मुस्लिम या दुनिया का कोई गैर मुस्लिम बस में सफर करते हुए, कार में सफर करते हुए, फ्लाइट में सफर करते हुए आपकी टोपियों को देखकर, आपकी दाढ़ियों को देखकर, आपके चेहरे को देखकर, आपके लिबास को देखकर, अगर आपके साथ आपके घर वाले हो उनके शर्म और हया और उनके बुर्दे और निकाब को देखकर कोई ना कोई जरूर सवाल करेगा। पहले ही से जवाब तैयार करो, क्योंकि ये दौर सवालात का दौर है, जवाब की तैयारी होनी चाहिए। लेकिन हम जवाब में बिल्कुल पीछे पड़ गए, सवाल करने वाले दंडाते फिरते हैं। मुस्बत जवाब दो, दंडा शिकन जवाब दो, बेहतर जवाब दो, उसके अकल के हिसाब और उसके अकल के मुताबिक जवाब दो। इसीलिए ये तहरीके उलमा शुरू किए हैं, गैर मुस्लिमों में दावत देने का क्या तरीका होगा, क्या जरूरत है इनको, क्या इनके पास वक्त 40/8 घंटे का है, क्या इनके पास इनकी बीवियां नहीं, बीवियां तो डूब करेंगे, बीवी नहीं वो बोलते बोलते बोलना पड़ता, सो जमा का सीधा इस्तेमाल करना पड़ता, मतलब तुम्हें डूब कर, क्या इनके घर में इनकी बीवी नहीं, इनके बच्चे नहीं, इनके तकाजे नहीं, क्या ये इंसान नहीं, इंसानी जरूरियात इनके साथ जुड़े हुए नहीं, इनकी जिंदगी में खुशी और गम का संगम नहीं, फिर ये चाहते क्या अपनी बीवी और अपने बच्चे और अपने तकाजे और अपनी जरूरतों को जहां तक हो सके कम करके आपके लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, खौम के लिए वक्त देना चाहते हैं। लेकिन इनके वक्त से फायदा हासिल करने वाले पीछे पड़े हुए हैं। आप ये न समझो कि सवालात सिर्फ उलमा से होंगे, ये न समझो कि सवालात सिर्फ मुअल्लिमीन से होंगे, सवालात सिर्फ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन से होंगे। कभी कभार आपको भी सवाल कर दिया जाएगा, आप भी बराबर का उसके अकल के मुताबिक जवाब देना ताकि वो तसल्ली लेकर जाए। चंद दिन पहले हमारे मुल्क में एक बिल पास हुई तलाक की, मालूम आपको नहीं मालूम, मुंडी तो भी हल्ला हुआ, मालूम हिंदुस्तान के तमाम चैनलों में बहस और मुबाहिसे डिबेट्स शुरू हुए। जो उलमा नोटेड थे उनको बुला बुलाकर अजीब और गरीब सवाल करने लगे। एक मसले में मुझे भी बुला दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं, कभी नकल से जवाब देना पड़ता है, कभी अकल से जवाब देना पड़ता है। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि हजरत आप उलमाए किराम बार बार बोलते दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, जहां तक मैं तहकीक करे तो दाढ़ी असल में दाखिल नहीं है, अगर दाढ़ी दीन में दाखिल होती तो बच्चा भी माँ के पेट से जब पैदा होता दाढ़ी के साथ पैदा होता। हजरत थानवी तो थानवी थे,
अब उसके सामने है ना दाढ़ी की आयत, दाढ़ी की अहदीस, क्या बोले तो क्या होगा, उसे क्या मालूम। हजरत बोले बिल्कुल सही, तू भी जाकर दाता तोड़ लगा ला जा, माँ के पेट से पैदा हुआ ना उस वक्त तेरे मुंह में दाता भी नहीं थे। बाजू वाले ने कहा कि हजरत क्या दंदा शिकन जवाब है आपका, दांत तोड़ जवाब है, सामने वाला कैसा होता कि वैसा जवाब देना। अब हमसे भी पूछे क्या बात है कि तुम्हारे धर्म में दो बातें मुतजाद है। एक जगह तुम्हारे नबी ने कहा जो चीजें अल्लाह को पसंद नहीं उनमें से तलाक है वो चीज हलाल, फिर भी वो चीज अल्लाह को पसंद नहीं। ऐसा हो सकता है कि चीज हलाल भी हो और अल्लाह को पसंद भी ना हो। जो चीज हलाल है वो अल्लाह को पसंद, जो चीज हलाल नहीं वो अल्लाह को ना पसंद, जो चीज हराम है वो अल्लाह को ना पसंद। यही तो अकल कहती है। हलाल का सादा सीधा तर्जुमा क्या, जो चीज अल्लाह रसूल को पसंद वो हलाल। हराम का सादा सीधा तारुफ क्या, जो चीज अल्लाह को ना पसंद वो हराम। और चीज हलाल भी हो अल्लाह को ना पसंद भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है। इससे साफ पता चलता है कि ये चीज तुम्हारे दीन में है ही नहीं। अच्छे पढ़े लिखे लोग सवाल करे सो, ये असल में ऐसी खुजली पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में छोटी सो, ये जो कुछ भी पढ़ते नहीं लगते देखो उनकी जिंदगी क्या समय ना वो आता ना होता। ऑटो ड्राइवर ज्यादा बहस करता, पपई बेचने वाला ज्यादा बहस करता, ककड़ी खीरा काटने वाला ज्यादा बहस करता, बहस करते सर कौन, इनकी पूरी जिंदगी कॉलेजों में सर्विसों में खत्म हो गई, अब घर के प्राउड खबर वेलकम, अब उनको खुला याद आया, अब उनको हदीस याद आई, अब उनको शरीयत याद आई, अब उनको दिमाग में कुछ भी होती है अजीब अजीब सवाल करते हैं। मुझे भी करें, मौलाना को भी किए होंगे, मौलाना को भी किए होंगे। एक जना हमारी मस्जिद में जबरदस्त आया, जुमे के बाद बैठिया तकरीब की तारीफ कर, दूर हमारे सदर साहब बैठे थे, ये बड़ा ये तारीफ हमारा को कर ताकि मेरी सैलरी बढ़े, मेरी तारीफ मेरे सामने करा तो क्या फायदा, सदर साहब के सामने तभी करा तो हमारे खतीब की तारीफ हो रही है, बोलते जरा तनख्वाह बढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा बकीना दुनिया में कौन बोले तो मस्जिद के जिम्मेदार, सबसे ज्यादा बकीना, दिल बराज नहीं उनका और बढ़ता भी नहीं। मैं भी अपनी पूरी जिंदगी की और छोटी सी सर्विस में वो वजीफा तलाश कर रहा हूं जिसके पढ़ने से सदर का दिल बड़ा होता है। नहीं तो मेरी सजा में फिर है तो गुस्सा करो लोगों, साढ़े ग्यारह के अंदर चले गया तुम्हें, उसके बाद हो सकती इजाजत तारीफ करे अल्लाह का बंदा। हजरत बयान तो बहुत अच्छा था, एक बात समझ में नहीं आई, कैसा था मालूम है, जुम्मे के दिन चेहरा चमक रहा नूर से नहीं शेविंग से, ऐसा था पिसा पाए नहीं ऐसा भी पिसा पाए, ऐसा भी हजरत अजीब और गरीब अंदाज था, बयान बहुत अच्छा था हजरत आपका, ये बात समझ में नहीं आई। साथ में कुछ और दोस्त अहबाब भी बैठे थे, जुमे के बाद मजलिस होती है हमारी छोटी, कोई नहीं ये हमारे चाहने वालों के बीच में क्या सवाल करता कि मैं जवाब नहीं दिया तो उसके पास से भी तो गई अकीदत, ऐसे लोगों के पास भी चले क्या रहा हूं, ये अलग टेंशन था मुझे। अल्लाह से दुआ किया अल्लाह मेरे जवाब के मुताबिक इसका सवाल रहा तो अच्छा है। परेशान हालत में जब खुदा को याद करते ना अजीब और गरीब खुदा की मदद शामिल हाल होती,
उसने सवाल किया, हजरत चीज हलाल भी हो अल्लाह को पसंद की नहीं, फिर ये कैसा? हजरत एक दो मिनट सोचा, मैं अल्लाह ताला जहन में जवाब दिया तो बढ़िया, ये तो सामने वाले को समझ के मुताबिक ही जवाब देना। अगर उन्हें सवाल करके उसको उसका जवाब ना मिला, हम उतना बदनाम नहीं होते, बल्कि उसका सवाल जिस टॉपिक पर होता है वो टॉपिक बदनाम हो जाता है। ये जहन में रखें आप, आई बात समझ रहे हैं? जवाब ना दे तो हम उतना बदनाम नहीं होते जितना के उसका सवाल जिसकी तरफ इशारा हो वो मुशारुन इलाही बदनाम हो जाता है। आता है तो जवाब दो, वरना बोलो मुझे नहीं मालूम, हमारे बड़े हैं उनसे पूछ लो। अल्लाह ताला ने बेहतर जवाब दिया, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा घर का बेंगलुरु के मोहल्ले का नाम बोलिया हुए। फिर मैं पूछा उस मोहल्ले में कहां घर, उन्हें किरास का नंबर दिया। फिर मैंने उससे पूछा उस किरास में कहां घर, उसने पूछा मेरी सवाल ही क्या की करा, तो मैं पूरा जवाब देता हूं, जरा मेरे भी सवाल आपका जवाब दिया। उसके बाद उन्हें घर नंबर बोले। फिर मैंने पूछा तुम्हारे घर का स्केच क्या है, कितने बेडरूम, कितने हाल, कितने पता नहीं स्केच। उन्हें बोला अल्लाह का बंदा एक हाल है, एक ड्रेसिंग हाल है, एक डाइनिंग हाल है, एक वेटिंग हाल है। नहीं बड़ा इतने हरा भरा तो तू भी हल हो रहा है। फिर इतने बेडरूम आनी क्या की ही किधर की ही। फिर और क्या है, किचन है। फिर और क्या है, पार्किंग है। फिर और क्या है, तो नहीं और भी है, हाँ फ्रीज है, वो छोड़ो घर घर। तो फिर सोच सोच कर बोला इतना अच्छा सर। तो फिर मैं बोला कि फिर अपनी जरूरत पूरी करने के वास्ते क्या अमरीका जाता मैं वो पूछ रही कि हजरत बाथरूम तो हर रूम में है। तो तब मैंने पूछा वो अच्छी चीज की बुरी चीज, बुरी चीज चीज बुरी भी है तेरे घर में भी है, चीज बुरी भी है घर में है नहीं है। 10 करोड़ का घर हो हैदराबाद में और घर का मालिक अपने घर की तारीफ के पुल बांधते बांधते अगर ये कह दे कि सब हमारे घर में हर चीज की फैसिलिटीज है, ऐसा बेडरूम, मास्टर बेडरूम, मास्टर हॉल, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम, पार्किंग, फला फला, लेकिन बाथरूम में सब वह हदीस चीज कोई है पट्टा हैदराबाद का उस घर का इंतखाब करे? क्यों? वही तो एक जरूरत की चीज है चीज जरूरत की, आदमी पसंद भी नहीं करता, जरूरत होने की वजह से अपने घर के अंदर रखता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं जब मुखालिफ सवाल करे जवाब मुस्बत हो, जवाब मुदल्लल हो। 500 से ज्यादा दुनिया में धर्म है, कितने 500 से ज्यादा दुनिया में धर्म है, और हर धर्म वाला कहता है हमारा धर्म हमारा मजहब सही है। मुसलमान भी यही कहता है हमारा धर्म हमारा मजहब सही है। अगर कोई सवाल कर दे तो जवाब क्या, सादा सीधा जवाब आपके सामने पेश करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, एक छोटा जवाब पेश करके आपके सामने बढ़ाऊं और रखकर आपके सामने बात को आगे बढ़ाऊं, यही जवाब सबके सामने देना। और मैंने ये जवाब हमारे असातिज़ा से, हमारे शुयूख और काबिर से लिया है, और इससे ज्यादा बेहतर शायद के कोई जवाब होगा, और इस जवाब को सुनकर सामने वाला फिर कभी मुंह नहीं खोलेगा, सवाल का सीन तक आपके सामने नहीं रखेगा। हमारा अपना दीन, हमारा अपना धर्म, हमारा अपना रिलीजन, हमारा अपना मजहब सही होने की मजबूत दलील यह है कि हमारा दीन दुनिया के तमाम दीनों में कामिल दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल दीन है। ये इंसान के पैदा होने से लेकर
खबर को जाने तक का पूरा निसाब खुदा की कसम किसी धर्म के अंदर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और दीन के अंदर है। खाने का तरीका, पीने का तरीका, सोने का तरीका, उठने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, बताने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, जूते चप्पल पहनने का तरीका, खुशी का मौके हो, गम के मौके हो, विलादत के हालात हो, वफात और विसाल के हालात हो, घर के मसाइल हो, दुकान के मसाइल हो, सिर्फ नमाज नहीं, रोजा नहीं, जकात नहीं, इबादत हो, मामलात हो, माशरत हो, तिजारत हो, सियासत हो, हुकूमत हो, यहां तक के बैतुल खला को जाने का तरीका, आने का तरीका, मियां बीवी के मोहब्बत के मसाइल, फिर हर काम के लिए दुआ। सारी दुनिया के अंदर इतना कामिल और इतना मुकम्मल दीन खुदा की कसम कहीं और नहीं। किसी ईसाई से आप सवाल कर दे, भाई ईसा जूते पहनते कैसा पहनते थे जरा बता दे। किसी यहूदी से पूछो, मूसा की मोहब्बत में तुमने ईसा का भी इनकार किया, इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह का तुमने इनकार किया। चलो हम तुमसे सवाल करते हैं, तुम्हारा नबी जो हमारा भी नबी है, हजरत मूसा अला नबी जीना अलैहि सलातु व सलीम, जरा ये बता दो कि वो खाना खाते तो उनकी कितने उंगलियां तर हो जाते। जरा हजरत मूसा का चेहरा, जरा हजरत मूसा का हुलिया, आपके जिस्म के खदो खाल, आपके बाल, आपके कान कैसे थे, आपकी नाक कैसी थी, आपकी उंगलियां कैसी थी, आपके हथेलियां कैसे थे, उंगलियों की लकीरें कैसी थी, आपके पैर कैसे थे, आपकी साख कैसे, कोई सवाल का आपको जवाब नहीं मिलेगा। चलो इसी मुल्क के अंदर जो मेजॉरिटी के मकाम को नष्ट करने वाले हैं, कहते हैं कि हम मेजॉरिटी वाले, मेजॉरिटी वाले, और कहते हैं कि हम राम के मानने वाले, मोहब्बत के साथ एक सवाल कर दो, तुम्हारा राम कैसे खाता था, तुम्हारा राम कैसे बैठता था, तुम्हारा राम कैसे सोता था, सोते वक्त का पहलू कौन सा था, उठते वक्त का पहलू कौन सा था, निकलता तो कैसे निकलता, आता तो कैसे आता, बैठता तो कैसे बैठता, खाता तो कैसे खाता। तुम्हारा राम जिस पर तुम मोहब्बत के पुल बांधते हो, चाहत का इजहार करते हो, मर मिटने के दावे करते हो, जरा तुम बता दो तुम्हारे धर्म में कितनी चीजें हलाल हो, कितनी चीजें हराम है, तुम्हारे धर्म का क्या कानून उसूली है, क्या कानून फुरूई है। दुनिया के अगर 500 दुनिया के अंदर धर्म है, उससे भी आगे कहा मैं मिसाल आपको बता रहा हूं, दुनिया के अंदर 500 धर्म है, 490 पर 9 धर्म के लोग हमारे 4 सवाल का जवाब नहीं देंगे, खुदा वहदहु ला शरीक की कसम 490 पर 9 धर्म के लोग एक साथ मिलकर लाखों सवाल दुनिया के अंदर के इंसान की जिंदगी के अगर सवाल करके सबूत कुरान से पूछे, सबूत हदीस से पूछे, सबूत पैगंबर की नबवी 23 साल जिंदगी से पूछे, खुदा वहदहु ला शरीक की कसम करोड़ों उलमाए किराम हर सवाल का जवाब दिए हैं और आज भी देने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। ये है हमारा दीन, काबिल दीन, इसीलिए तो हम टंके की चोट में दुनिया को कहते हैं हमारे लिए कोई कानून न बनाओ साहब, तुम अपने लिए कोई कानून बनाना चाहते हो तो बना लो, हमारे लिए कोई कानून न बनाओ, इसलिए कि हमारे कवानीन आज से 1450 साल पहले कुरान की शक्ल में, प्यारे आका की जिंदगी की शक्ल में सारी दुनिया में फैल चुके। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं, सो गए। वाह।
सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रह कर भी अलग पहचान रखते हैं। मोहम्मद मुस्तफा वाले निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रह कर भी अलग पहचान रखते हैं। किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं लोगों, किसी कानून की हमको जरूरत ही नहीं लोगों। हम अपनी रहे बरी के वास्ते कुरान रखते हैं, हम अपनी रहे बरी के वास्ते कुरान रखते हैं। ये है हमारा दीन। अब मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, जल्दी जवाब दे दे, आगे बढ़ना है। जब हमारे पास एक अच्छी चीज है तो सारी दुनिया में इसका प्रचार करना कि नहीं करना? अरे दौलत दिखाते हैं हम, जिसका तस्करा दर्द के साथ हजरत बानईम ने किया। क्या हमारे पास दौलत? दुश्मनों के पास भी इससे ज्यादा दौलत घुसती है। दौलत हमारी पहचान नहीं, वरना इस्लाम हमेशा दौलत को सर का ताज नहीं बनाया। इस्लाम कभी भी दौलत को सर का ताज नहीं बनाया, ठोकर में रखा। हजरत कासिम नौलोत्री रहमतुल्लाह अलैह का जरीन खाल है, दौलत के पीछे इस्लाम कभी नहीं भागा, बल्कि इस्लाम के चाहने वालों के पीछे दौलत भागी। इस्लाम के मानने वालों के पीछे दौलत भागी है। ऐसा दीन बनाओ कि दौलत किसके पीछे रहे? हमारे पीछे रहे, हम दौलत के पीछे नहीं लगे हाथ। और एक छोटा वाकिया सुन लो, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, जानते नहीं? जानते, बेंगलुरु में ही नहीं। सहाबी रसूल उस्मान गनी के बाद दौलत में हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का नाम आता है। अल्लाह इतनी दौलत दिया, वो भी हलाल की दौलत। आज लोग बोलते सच बोले तो कमा नहीं सकते, हजरत फिर हजरत उस्मान गनी जितनी दौलत जमाए, झूठ बोलकर जमाए, क्या दिया समझता? सच बोले तो कमा नहीं सकते हजरत, अलियाज़ बिल्लाह, कहीं गुस्ताखी न हो जाए। सहाबा के पास बतौर खास हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जो दौलत थी, क्या धोखा देकर कमाई? क्या कौन कहता है कि सच बोले बगैर, झूठ बोले बगैर दौलत कमा नहीं सकते? आज भी अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो सच का दामन छोड़ते नहीं, दौलत नाश करती है उनके घरों को जाकर। अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े मानता, अल्लाह इतनी दौलत दिया, इतनी दौलत दिया जिसकी कोई हद नहीं। एक दिन घर को आए, घर के कोने में सोने का ढिगार पड़ा हुआ था, ढेर सिक्के। उस जमाने में ऐसे जबरदस्त बीरों और गिरों क्या भी नहीं थे, रखे तो जमीन के अंदर रखना था, नहीं तो ऊपर संदूकों में रखना था। ढेर पड़ा हुआ था सोने का, सर में हाथ रख लेकर बैठ गए। बीवी देखी तो परेशान हो गई, शौहर से पूछने लगी, सर में दर्द है? उस जमाने की बीवियां ऐसी थी, जरा शौहर का चेहरा उतरता तो फौरन पहचान लेती कि शौहर को क्या की टेंशन है।
आज हमें टेंशन बताए तभी यकीन करती क्या हालत है। एक जमाना लगता हमें बोलने की जरूरत नहीं थी, पहचान लेती थी। आज हम ना ऐसा दर्द है वैसा दर्द, जिंदगी भर का दर्द तुम्हारा था, सो जाओ पड़ोसन का दर्द। शादी हो 15 साल कब तभी सुख देखी तुम्हारे अंदर में, जब ऐसा सर का दर्द बोलकर बोलते थे तो एक दो फेटी क्रोसिन टैबलेट भी जहेज में लेकर आती थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ की एलिया ने पूछा, सरताज क्या बात है? मैंने कहा इतनी दौलत घर में पड़ी हुई है, इतनी दौलत घर में पड़ी हुई है, इस हालत में मौत आ गई तो मेरे रब को मैं क्या जवाब दूंगा? इमाम गजाली फरमाते हैं, दौलत रख के मरो के खर्च करके मरो, दोनों सूरतों में हिसाब तो देना ही है। उठा कर दे के उलमा बैठे इसलिए पेश कर रहा हूं, दौलत पूरे का पूरा खर्च करना नहीं तो भी हिसाब से बच नहीं सकते, दौलत छोड़कर मरे तो भी हिसाब से बच नहीं सकते, रखे तो भी हिसाब देना, खर्च करे तो भी हिसाब देना। गरीब का किस्सा ऐसा नहीं, दौलत इच नहीं, हिसाब इच नहीं। मरने के बाद पता चलेगा कि दुनिया में दौलतमंद अच्छा था या गरीब अच्छा, गुर्बत अच्छी थी कि दौलत अच्छी थी, मरने के बाद पता चलेगा। इतनी दौलत है घर के अंदर, अगर मौत आ गई तो क्या होगा? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की एहलिया सहाबिया थी, उसने कहा कि इसमें सर में हाथ लगाने को टेंशन करने की क्या जरूरत है, जाओ आवाज लगाओ, गरीबों को बुलाओ, बांटो। ऐसी भी जमाने आवाज लगाओ, मदीने में गुरबा है, लगाओ बांटो। अच्छी बात है, गुलाम को भेज कर आवाज लगाए, गुरबा पूरे दरवाजे में आ गए, कटोरों में भर भर कर सोने के सिक्के बांटने लगे। मीठा नहीं भी सोना सोना, पूरा सोना खत्म। अल्लाह का शुक्र परवरदिगार, अगर आप हिसाब ही लेंगे तो बता दूंगा कि कहां खर्च किया। आप बेगम से कहते खाना रखो, खाने के लिए बैठे तो फिर दरवाजा खिटखिटाने की आवाज आई, कौन? मुसाफिर ताजिर, क्या ये अब्दुर्रहमान का घर है? जी। दरवाजा जाकर खोलते हैं तो ये नौजवान खड़ा है, कहा क्यों? उनके शाम का हूं, क्या है? ताजिर हूं। क्या बात है, 200 ऊंट माल पार्सल आया हूं, पूरे मदीने में खरीदने की ताकत किसी के पास नहीं। किसी ने कहा कि अब्दुर्रहमान के दरवाजे पे चले जाओ, वो कैश एंड कैरी बिजनेस करता है। कैश एंड कैरी बिजनेस करता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा करूंगा जरूर, लेकिन नफा बात कर, क्या 200 ऊंट के जीन नफे में मेरे होंगे, पर्चे की कीमत तेरी, कपड़े की कीमत तेरी होगी। मामला तय हुआ, कहा कि कल फजर के बाद इंशाअल्लाह ताला बिजनेस होगा। चला गया इधर ताजिर फजर के बाद का इंतजार करने के लिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फिर आए, दोनों हाथ सर में लगा कर बैठ गए। बीवी ने पूछा, आप क्या हुआ? बेगम, दौलत अब्दुर्रहमान के घर आती नहीं, घुसकर आ रही है, मुझे तो डर हो रहा है, कहीं तहारत के लिए ढेला उठाऊं, वो ढेला भी कहीं सोना न बन जाए, कहीं तहारत के लिए ढेला उठाऊं, मिट्टी का ढेला उठाऊं और वो ढेला भी सोना न बन जाए। ऐसी दौलत, दौलत पे बात आ गई, दौलत है तो दिखाते हैं, हुस्न है तो दिखाते हैं, ताकत है तो दिखाते हैं, फना होने वाली कुर्सियों पे वक्त मुकर्ररा के लिए बांटते हैं तो वो झूठी और धोखेबाज हुकूमत दिखाते हैं, लेकिन अपने पास रहने वाली बेमिसाल दौलत जिसका नाम दीन है, जमाने को हमने ये दीन दिखाया कितना। बात सही है कि गलत है? सही। दौलत दिखाएगा,
शादियों में दौलत दिखाए, बच्चों के बर्थडे में दौलत दिखाए, एनुअल सी में दौलत दिखाए, कारों के खरीदने में दौलत दिखाए, मोटरसाइकिलों के खरीदने में दौलत दिखाए, घरों के बनाने में दौलत दिखाए, और हुस्न का भी पर्दा ऐसा किया, बीवी की हया वो ख्याल जहन में नहीं आया, माँ की हया का ख्याल जहन में नहीं आया, बेटी की इज्जत और आबरू का ख्याल जहन में नहीं आया, उसके ऊपर के कपड़े निकालकर, निकाब निकालकर, बुर्के निकालकर, गंदे गंदे उड़िया लिबास पहनाकर, टू व्हीलरों में बिठाकर, कार में बिठाकर, पूरे जमाने को बताया हम किसी से कम नहीं, हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास शराब भी है, हमारे पास हस्त भी है, अब हया को बेहया बनाकर जमाने को दिखाया, लेकिन कभी हमने हमारा दीन नहीं दिखाया। एक सवाल से डरो, बेंगलोर वाला हूं बेंगलोर में भी कहूंगा, हैदराबाद आया हो तो हैदराबाद को भी कहूंगा, जमाने तक इंशाल्लाह ताला कहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा ये बात कहता रहूंगा, एक सवाल से डरना, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी नमाजें कामिल होंगी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे रोजे कामिल होंगे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ज़कात कामिल होगी, मुझे उम्मीद है कि तुम हज भी कर लिए होगे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे मामलात 100% सही होंगे, लेकिन एक सवाल से डरना, अगर हमारे मोहल्ले का कोई गैर मुस्लिम ये सवाल कर दे अल्लाह की अदालत में, अरे अल्लाह आप तूने मुझे जहन्नमी बना दिया, मेरे पड़ोसी को तूने जन्नती बना दिया, जरा उस तेरे पड़ोसी से, उस तेरे बंदे से पूछ ले जिसकी गली में मैं 20 साल रहा, जिसकी गली में मैं 25 साल रहा, जिसकी गली में मैं 50 साल रहा, जरा तेरे उस बंदे से पूछ के वो अपने दीन को मेरे तक कितने मरतबा पहुंचाया। बैठे बिठाए क्या मोहल्ले का नाम विजयनगर कॉलोनी के मुसलमानों, बात कड़ी है, हकीकत है, बैठे बिठाए मक्के के अंदर आलीशान महल बनाकर, खूबसूरत तख्त बनाकर, मस्जिद पे जलवा फरोज होकर, पैगंबर बैठकर, इधर अबू बकर को खड़ा करके, उधर उमर को खड़ा करके, उधर उस्मान को खड़ा करके, इधर अली को खड़ा करके, पंखे लगवाकर खूबसूरत महफिल सजाकर, चीजें खाकर, ठंडे ठंडे पानी और शरबतें पीकर, बुला बुलाकर दीन नहीं दिया, बुला बुलाकर दीन नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के रसूल जान जाकर दरवाजा खिटखिटाकर दीन पहुंचाया, कभी दरवाजा खिटखिटाकर दावत दी, कभी गालियां सुनकर दावत दी, कभी पत्थर खाकर दावत दी, कभी कचरे डलवाकर दावत दी, कभी कांटों में चलकर दावत दी। मेरे शायद ने एक जगह पर लिखा है कि अल्लाह का रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दरबार में पहले भी अब भी आइंदा भी हर सेकंड 70,000 फरिश्ते दरबार रिसालत पर हाजिरी देकर सलाम अर्ज करते। हजरत जिब्राइल से एक मरतबा पैगंबर ने पूछा कि जिब्राइल जरा बताओ कि फरिश्ते कैसे पैदा होते हैं, क्योंकि माँ बाप से बेनियाज उनके फरिश्तों की माए नहीं, फरिश्तों के बाप नहीं, कैसे पैदा होते हैं। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अर्श के नीचे एक नहर जारी है नूर की, उसमें मैं गोता लगाता हूँ, जो मुझे मालूम हो बताता हूँ या रसूल अल्लाह, उसमें मैं गोता लगाता हूँ, और उस गोता लगाने के बाद जब मैं उठता हूँ मेरे जिस्म के अंग अंग से नूर के कतरे गिरते हैं। उस जात की कसम जिसने आपको नबी बरहक खातिमुल अंबिया बनाकर भेजा है, एक एक कतरे से मेरा रब 70,000 फरिश्ते पैदा करता है, और अल्लाह भी बेहतर जानता है मेरे अपने जिस्म से कितने कतरे नूर के गिरते हैं, और एक आम कितने करोड़ों अरब फरिश्ते पैदा होते हैं। फिर उसके बाद खुद जिब्रील ने कहा कि वो फरिश्ते सब बांध कर खड़े होकर अल्लाह की हमदो सताइश बयान करते हैं, तस्बीह तहमीद तकबीर तहलील बयान करने के बाद अल्लाह कहता है जाओ जाकर मेरे मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ कर आओ, बाद में मैं तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी बताऊंगा, बाद में मैं तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी बताऊंगा।
लिखा है खुसूसियातुन नबी में, मेरा नबी आने के बाद तो फरिश्ते दरबारे रिसालत पे आते थे, मेरा नबी आने से पहले फरिश्ते किसके पास जाकर सलाम अर्ज करते थे, कुर्बान जाओ अजमत रसूल पर, उस नबी के हम गुलाम हैं। नबी ने पूछा मेरे आने के बाद तो ये हाल है कि फरिश्ते मेरे दरबार आते हैं और सलाम करते हैं और आज भी विसाल के बाद रोजे अक्दस पर हाजिरी देते, कोरोना की वजह से मदीना बंद हो गया, मदीना बंद नहीं हुआ और कयामत तक बंद नहीं होगा। आशिकाने रसूल इंसान के जाने आने में कुछ पाबंदी लगी हुई होगी, लेकिन फरिश्ते और मलाइका जिन्नात के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। जज़ीरतुल अरब या सऊदी अरब की हुकूमत इंसानों के लिए कानून पैदा कर सकती है, फरिश्तों के आने जाने के लिए कोई कानून बनाने की ताकत उन लोगों के पास है? अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मेरे नबी की उस मस्जिद नबवी और मदीने मुनव्वरा में कितने करोड़ों अरब इस लॉकडाउन के सीजन में मदीने में मलाइका हाजिरी देकर दुरूद और सलाम अर्ज करते थे। मदीना कभी काली नहीं, रोज़े अक्दस कभी काली नहीं है, काली भी नहीं होगा, कयामत का काली नहीं होगा। सब मिलकर दुआ करो अल्लाह हर मैन को आबाद रखे, अल्लाह हर मैन को आबाद रखे, अल्लाह हर मैन को आबाद रखे। फिर से उम्रे से और हज से मक्के को सवारे, ज़ियारत से मदीने को सजा, आ जाएंगे वो दिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आ जाएंगे। या रसूल अल्लाह आपके दुनिया में आने से पहले आपका नूर इख्तलाफ को गए बगैर अर्ज कर रहा हूँ, किताबों में वही लफ्ज है, फिर मेरे जाने के बाद ये नहीं कहना कि देखो ये भी नूर की बात करते, हम भी नूर की बात करते हैं। मेरे भाई अकीदे अपनी अपनी जगह पर है, इख्तलाफ ना करो, मिल कर रह जाओ। मेरे आका को जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह आपके दुनिया में आने से पहले आपका नूर जहां जहां से मुंतकिल होकर गुजरता गया उन उनकी खिदमत में हाजिर होकर मलाइका सलाम अर्ज करते थे। वैसा नबी दीन भुलाकर नहीं दिया जिसके पास जिब्रील आए, जिसके पास मीकाईल आए, जिसके पास इज़राइल आए। इसराफी तो 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों में किसी के पास नहीं आए। अल्लामा जलाल तो खसाई से कुबरा में लिखते हैं इसराफील अगर आए तो वो सिर्फ मेरे नबी के पास आए। इसराफील जिनको सूर फूंकने के लिए खड़ा कर दिया अल्लाह ताला, अभी तक ऐसे ही पकड़ कर खड़े हुए, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। एक मरतबा अल्लाह ने इसराफील से कहा, इसराफील तुम दरबारे रिसालत में हाजिर होने की ख्वाहिश नहीं रखते? क्यों नहीं या रसूल? क्या अल्लाह मेरा दिल चाहता है कि मैं दरबार में हाजिर हो जाऊं, नबी के दीदार से मुशर्रफ होकर आ जाऊं, लेकिन आपने तो जिम्मेदारी दी है, कब फूकने का हुक्म देंगे पता नहीं, इसलिए खड़ा रह गया। अल्लाह ने कहा कि जाकर ज़ियारत और मुलाकात करके आओ, मेरा नबी वो नबी है, उसके जमीन पे होते हुए क़ियामत आना तो दूर की बात कि हमारा अज़ाब भी नहीं आएगा, क़ियामत आना तो दूर की बात कि हमारा अज़ाब भी नहीं आएगा। जाओ इस राफिल जाकर आओ वो दरबारे रिसालत जिसके पास जिब्राइल आते, मीकाईल आए, इसराफील आए, इज़राइल आए। वैसा नबी दीन बुलाकर नहीं दिया, दीन बुला कर नहीं दिया, बल्कि दीन जाकर पहुंचाया। मेरे शेख ने लिखा है अबू जहल जैसे फिरौन के पास 3,000 मर्तबा नबी दावत लेकर जाए। कितने मर्तबा? 3,000 मर्तबा दीन पहुंचाने के लिए गए। अमर कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, हम कहां तक पहुंचाएंगे? अरे दीन पहुंचाना तो दूर की बात। हजरत बाबईन दामत बरकातों मेरे वालिद के आप दोस्तों में से हैं, इस्लाह फरमा दे, दुआ दे दे, दीन पहुंचाना तो दूर की बात। सही तौर पर हमने अपने दीन को जमाने के सामने दिखाया तक नहीं,
टेक्निक। अगर वो हमारे पास रहने वाले दीन को देख लेते और हम दीन पर चलते, उनको पहुंचाने की भी जरूरत नहीं, बोलने की भी जरूरत नहीं, हमारे अमल पर उनकी नजर पड़ेगी, उनकी दिल की दुनिया बदल जाएगी। हजरत अमीर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह रईसुल मुहद्दिसीन, याद रखना नौजवानों, थोड़ा थोड़ा पहचानता हूं मैं उलमाए किराम के चेहरों को, उनको छोड़कर मेरे नौजवानों से कहता हूं, ये तमाम अस्मा याद रखना। क्या नाम? अनवर शाह, हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। दीन पहुंचा सकते तो पहुंचाओ, वरना कम से कम दीन दिखाओ, दिखाओ दीन दिखाओ, झांक कर भी जमाना देखे, कान पकड़ता हूं हमारे वजूद में दीन का दाल भी नजर नहीं आता। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कौन? रईसुल मुहद्दिसीन वल फुकहा। इमाम बुखारी को समझने के लिए अल्लाह ने अनवर शाह को बचाकर रखकर इस जमाने में बताकर बताया कि बुखारी ऐसा था। अहमद बिन हंबल ऐसा, मोहम्मद इदरीस शाफी ऐसे, इमाम मुस्लिम ऐसे, करोड़ों किताबें याद, और ऐसा याद एक मर्तबा पढ़ लिए तो याद। और इतना पक्का याद होता था, खुद हजरत अनवर शाह कश्मीरी ने फरमाया, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे कुव्वत हाफिज़ा ऐसा दिया कि हर किताब की बात में इस तरफ के सफ़े में कि इस तरफ के सफ़े में ये भी बता सकता हूं। और खुद हजरत अनवर शाह कश्मीरी ने फरमाया, अल्लाह का करम है, अगर इस तरफ के सफ़े की बात है तो मैं ये भी बता सकता हूं कि कितने नंबर की लाइन में ये बात है। हजरत थानवी ने फरमाया, इस्लाम के सही होने के दलाइल में से एक दलील अनवर शाह कश्मीरी है। समझ में आ रहा है जुमला? ये इस्लाम के सही होने के दलाइल में से ये दलील अनवर शाह कश्मीरी भी है, इसलिए कि इतना बड़ा मुहाद्दिक गलत दीन की पैरवी कर ही नहीं सकता। तीन किस्म का जमाल हजरत अनवर शाह कश्मीरी में जमा था। ये उनका अपना जाती, क्योंकि कश्मीर वाले थे ना, काले थे, गोरे गोरे गलती होगी बात कर लो। ये कश्मीर से 370 कई को निकाले सवाल मिलेगा गोरे होने के वास्ते। क्या इस्माइल साहब ये सब कराटे मालूम है क्या आपको? 370 380, ये कश्मीर के ऊपर से जो 8 निकाले ना 370 कई को निकाले सवालू, 3 नजब से निकाले लगा। मैं बोलता नहीं कि तो तुम्हें बर्दाश्त करते हैं कि नहीं करते, कि हमारा बेंगलुरु का मैदान ही कुछ और है, मैदान भी हमारा, घोड़ा भी हमारा, रास्ता भी हमारा। अब यहां जरा आए तो जरा देखो बोलना ना, 370 निकाले सोच हजरत 3 बजे से, 2 बजे बोल दू, 1 बजे आपको पर्सनल बोल पहुंचे, 1 गोरा होना का मकसद, 2 सेब खाना, 3 कहीं को बोलता नहीं, समझना आया तो समझ जाओ। कश्मीर वाले कैसे रहते फरमाते हैं, कालापन भी हुस्न है, गोरापन भी हुस्न है, लेकिन निस्बतन गोरापन जरा ज्यादा ही हुस्न है, इसीलिए आदमी की फितरत भी बनिस्बत कालेपन से ज्यादा गोरेपन को चाहता सोनी। इसीलिए किसका कभी बच्चा काला पैदा होगा तो बाबा मायूस भी हो जाता, फिर भी तसल्ली के वास्ते चांद पाशा भरकर नाम लेता।
क्या इस्राइल साहब क्या हजरत भाई गोरे हो के काले हो दिल अच्छा हो तो फिर उस उसम का कहना ही क्या। कभी उलमा से पूछ लेना हजरत बिलाल की तारीख हो सी बेअमल गोरों से अमल वाला काला बेहतर है। नबी ने फरमाया बच्चे नहीं पैदा करने वाली गोरी औरत से बच्चे पैदा करने वाली काली औरत बेहतर है। गोरी है शौहर के सामने ऐसा व्यक्ति इन्हें अच्छी की काली है शौहर आते उनको करती इन्हें अच्छी बोला शहर के सामने पैर पे पैर डालने वाली औरत अच्छी थी शहर के सामने उठकर खड़े होने वाली अच्छी गोरी है पैर पे पैर डालती है। जवाहिरात हकीम उल उम्मत ने तो एक अजीब बात लिखी है। हजरत थानवी के पास एक आदमी आया आकर कहने लगा कि हजरत कितना कमा तू की लेकिन मेरी जिंदगी में सब है दो चीजा नहीं है हजरत। क्या बात एक सुकून एक बरकत। मैंने सिर्फ इस वाक्य पर 2.5 घंटे बात की है लेकिन अब मौका नहीं। एक सुकून एक बरकत। थानवी तो फिरासत के इमाम थे। बड़े ही गौर फिक्र के बाद हजरत थानवी ने पूछा तेरे घर के अंदर जब तू कहीं कभी बैठता है तो ऊंची जगह पर तेरी बीवी तेरे से ऊंची जगह पर बैठती है। उसने कहा कि हाँ उसी की नहुसत से तेरे घर का सुकून खत्म हो गया। मोहब्बत का माहौल हो तो बीवी लेवल पर बैठे अगर माहौल मोहब्बत का नहीं काम काज का है तो बैठने का वक्त आए तो बीवी नीचे बैठना इसी में बरकत है। चाहे को हिम्मत रही तो घर में बोलो ये बात हिम्मत रही तो बोलो वरना क्या बोलेगी मैं मई लाई सो सोफा मई बैठना नहीं की पहुंच वो बोली सब बोले सब बोला ये बात तुम्हें कब बोल सकते मालूम तुम्हें लाना सोफा उसके सोफे में बैठ जाते तो नीचे बैठ कर तो वो जगह पर मैं छोटी हाथ में मारता नहीं था इंसान होने की हैसियत से गोरे होने की हैसियत से तीन नूर जमा के दीन कैसा पहुंचाते हैं देखो। दरवाजा खिटखिटा कर अब तुम्हें तकरीर सुन लिए हजरत उलमा भी आपको बताए तो दरवाजा खिटखिटा कर अगर दीन पहुंचाने की कोशिश करोगे अब जमाना ऐसा नहीं है हालात बड़े खतरनाक हैं। पहले अब एक काम शुरू करो दीन दिखाने का काम शुरू करो इस्लाम दिखाने का काम शुरू करो गैर तक दीन पहुंच जाएगा। दीन दिखाने का काम शुरू करो इस्लाम दिखाने का काम कैसे दिखाते हैं देखो। बहुत शर्मिंदा हूं अफसोस भी हो रहा है कल मुझे बेल्लूर चेन्नई जाना है वरना मैं बस भी कैंसिल हो जाती तो कोई बात नहीं बैठ जाता। इन उलमाए किराम के तवज्जोहात और फुयूस का हिस्सा मिल रहा है और ऐसे उनवान पे बात करने पर खुद मुझे भी मजा अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। अल्लाह मुझे भी बदल दे आपको भी बदल दे आमीन। इतने बड़े आदमी दीन कैसे फैलाते हैं। एक मर्तबा उनके घर के तमाम अफराद बीवी बच्चे बच्चे सब कहीं गए थे हजरत देवबंद में पढ़ाते थे ना दर्श में फर्क आ जाएगा इसलिए हजरत छुट्टी नहीं डालते थे घर ही में रह गए। पुराने जमाने के बाथरूम और बच्चे ना बड़े सादे सीधे बाथरूम इधर दो हिंदा इधर दो हिंदा बस उधर बाथरूम को कब से बना को क्या साफ जो खाए की वो जाना सो कितना खूबसूरत बाथरूम बना उसे जाको लाखों रुपए बर्बाद कर दिए उसमें आईना काम भी रखते क्या देखता
और गिलाजत उठाने के लिए एक भूंगी आता था, क्या बोलते हैं यहाँ पर, भूंगी बोलते नहीं, बेहतर। एक मर्तबा हजरत सबक की तैयारी में बैठे थे जाने के लिए, भंगी आया, मेहतर आया, हजरत ने उससे पूछा, मियां नाश्ता करें? नहीं मुल्ला जी, मियां आज हमारे घर में कोई नहीं और हमने कभी अकेले दस्तरखान में बैठा नहीं, एक काम करो हाथ पैर धो के आ जाओ, आज हमारे साथ बैठ के खा लो, बेहतर, कोई भी गैर मुस्लिम आज भरोरी हजरत सर चढ़कर बोल रही है, ड्राइवर के पास वो बैठता नहीं सोचता, पीछे बैठे तो ओनर को मालूम होता सोचते ड्राइवर चला रहा है, बाजू बैठे तो दोस्त कहते, पीछे बैठे तो वो नर फिरों का पोतरा किसे दिखा को क्या फायदा, दोस्त 25 साल से ड्राइवर को दिन न दिखा सके, हम अमेरिका क्या दिन दिखाए, हमारे पास रहने वाले ड्राइवर को हमें दिन नहीं दिखा सके, घर में झाड़ू देने वाली माई को, मौसी को, खाला को दिन नहीं दिखा सके, अखलाक नहीं दिखा सके, वरना अब तक तो दुनिया बदल गया ना, अब तक बदल गया ना, ये दुश्मनी इसलिए कर रहे हैं कि उनकी नजरें हमारे दीन पर नहीं पड़ी, वरना उनके नजरों में उनके बच्चों से ज्यादा प्यारे हम नजर आए, उनके बच्चों से ज्यादा प्यारे हम नजर आएंगे, कहीं कहीं इक्का दुक्का छोटा मोटा वाकया हो गया तो इतना मुतासिर हो जाते जिसकी कोई हद नहीं, पूरी उम्मत मिलकर अगर दिखा दे तो फिर उनके मुतासिर होने का आलम क्या होगा, क्या होगा, मियां नाश्ता करें? नहीं, जाओ हाथ पैर धो के आ जाओ, हमारे साथ नाश्ता करो, मुल्ला आप खा लो, हम तो बेहतर है, भंगी है, पखाना उठा, अरे मियां तुम्हारा वो काम है, अनवर शाह का बढ़ाना काम है, दस्तरखान में तो हम दोनों एक हैं, धोने से क्या चीज पाक नहीं होती, जाओ जाके धो के आओ, नहीं मुल्ला आप खा लो, देखो मियां अगर आज हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगे हमारा नुकसान होगा, तुम्हारा भी नुकसान होगा, हमारा नुकसान ये होगा कि हम आज नाश्ता ही नहीं करेंगे, तुम्हारा नुकसान ये होगा कि कल से हम तुमको अपने घर भी नहीं बुलाएंगे, प्यार की धमकी, मोहब्बत की धमकी, मरता क्या ना करता जल्दी जाकर विलासत फेंका, अच्छा हाथ पैर बार बार कीकर कीकर, क्यों मुल्ला के साथ खाना है ना, पाखाना गिलास उठाने वाला कहीं वो ना जाए, जल्दी जल्दी आया, दूर बैठा इधर दस्तरखान, अरे मियां इधर आओ, इधर आ, दस्तरखान में प्लेट इधर आ, उठाकर जो था उस वक्त उनके पास रखा, खाए खाते खाते मियां हमारी एक आदत होती है जो हमारे नबी की सुन्नत है, खाते खाते दूसरों को भी खिलाना, माहौल रहा तो सुनको ना कुछ में शादी मेला में सभी दूसरों का सुन्नत है, मेरे मौका ना मौका रहा हमारे नबी की सुन्नत के खाते खाते खिलाना, क्या तुम हमारे हाथ से खाओगे, मुल्ला वो हाथ कहाँ ये मुंह का, सब रोज जिसके हाथों में अल्लाह उसके रसूल का कलाम आता जाता हो, उसके हाथ का लक्मा खाने की भी कहीं हमारी सआदत है, मियां खाओगे कि नहीं खाओगे बता दो बस, फिर थोड़ी देर के बाद देखिए दीन कैसे दिखाया जा रहा है, अखलाक कैसे दिखाए जा रहे हैं, इसी को दावत कहते हैं, इसी को तबलीग कहते हैं, कई तरीके होते हैं दावत के तबलीग के, उन तरीकों में से ये भी एक तरीका है दावत का तबलीग का, जहां मौका मिले वहां दीन पहुंचाओ, मियां
तुम इन कभी नहीं रखते हो, और कोई नहीं रखते, हमारे हाथ का तो तुम खा लिए, तुम्हारे हाथ का हमको नहीं खाना। हमारे हाथ का खा लिए, तुम्हारे हाथ मुल्ला, कहिए हमारे हाथ भी इस लायक है कि आपको, अरे ये लाए इतना लाए, बड़ा तकवा दिखाता, कलाता नहीं कलाता, खूबसूरत लहमा बनाकर मुंह में रखा। अंदर का मकसद उस भंगी के हाथ का खाना नहीं है, मेरे नबी का दीन उसके दिल में डाल लगा, ये था मकसद शादी का। ये लहमा खाते ही शाहजहां ने फरमाया, मियां तुम्हारे हाथ में तो अल्लाह ने अजीब मजा रखा है, और एक खा, फिर और एक खा लिए, दस्तरखान पूरा उड़ गया, कुछ भी नहीं बोले, कलमा पढ़, दीन सही, कुरान सही, अल्लाह का कलाम, हदीस सही, कुछ भी नहीं, खाली इतना काम करे। सोचा, घर गया, दरवाजा खिटखिटाया, बीवी खोली, रोने लगा, मेरे अपने धर्म वाले तो दूर की बात, मेरे अपने खानदान वाले भी कभी मुझे दस्तरखान में बिठाया नहीं, मुसलमानों का इमाम बिठा कर खलाया भी, मेरे हाथ का खाकर भी आया, इससे पक्का और सच्चा दीन कोई और हो नहीं सकता। मैं तो चला कलमा पढ़ने के लिए, तू करेगी क्या? बीवी थी, कहने लगी, कुफर में तुम्हारे साथ थी, ईमान में साथ कैसे छोड़ू, चलो हम दोनों चलेंगे। अब दरवाजा फिर है, शाह साहब का ये अमल इतलास से आरास्ता था, उम्मीद थी जाने वाला लौट के फिर आएगा, दरवाजा खिटखिटाया गया, पूछा कौन? शाह साहब, मेहतर आया, अब क्या? लखमे खला के पेट भर दिए, कलमा पड़ा कर दी भी भर। अरे इतना जल्दी नतीजे पर पहुंच गया शाह साहब, यही तो हालात थे तुम्हारे, यही तो तुम्हारा दीन था, हमने ये सोचा कि जब आपके ये अखलाक हैं, आप जिसको फॉलो करते हैं उसके अखलाक का आलम क्या होगा, आप जिसकी नकल करते हैं उसके अखलाक का क्या आलम होगा। दीन की दावत दो, दीन दिखाओ, बहुत नाजुक वक्त है, हमको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, बदलो, चेहरे से दीन दिखाओ, सरों से दीन दिखाओ, निगाहों से दीन दिखाओ, लिबास से, मामला से, तिजारत से, आलाज से, अदब से, अखलाक से, सबसे दीन दिखाओ, इंशाल्लाह ताला सुम्मा इंशाल्लाह, इस्लाम गालिब था, गालिब है, गालिब होकर रहेगा। बस इस्लाम नजर आने वाली कोई चीज नहीं है जो डिस्प्ले में हम किसी मैदान के बीच में रख के जमाने को बता दे कि देखो ये इस्लाम है, लेकिन है इस्लाम कहाँ? वो मेरे और आपकी जिंदगी में इस्लाम है, उसे निकाल कर जमाने के सामने बताना है, जब जमाने की नजरें हकीकत में हमारे पास रहने वाले दीन पर पड़ेगी, तो फिर लम्हात नहीं, लम्हे नहीं गुजरेंगे, हमारे दुश्मन हमारे प्यारे बन जाएंगे, हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाएंगे। इसी फिक्र को लेकर यहाँ के हजरात उलमाए किराम रोज बरोज वक्तन फवक्तन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं, इस मेहनत की लड़ी में इस आजिज व गुनहगार को भी शामिल फरमाया, मैं बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ, वक्त होता तो खुदा की कसम नौजवानों तुम्हारे से और भी खुली खुली बातें कुछ करने का इरादा था, जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला, अब तो बेंगलुरु और हैदराबाद की मसाफत भी आते जाते रहने की वजह से बहुत मुख्तसर हो गई है, और हमारी जरूरत भी नहीं है कि अल्लाह ताला यहाँ ने बड़े बड़े हजरात अकाबिर उलमाए किराम हस्तियां वाकिया को पैदा किए जिनकी तवज्जोहात ही से बहुत बड़ा इख्तलाफ इंशाअल्लाह ताला आएगा। अल्लाह मुझे भी कबूल फरमाए, आपको भी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله شكرا يا الله.